अमृतसर के जिला पासपोर्ट कार्यालय में लोगों को आ रही मुश्किलों को मद्देनजर रखते हुए पासपोर्ट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की ओर से पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के नेता जगजीत सिंह और लोगों ने बताया कि कई कई महीनों तक पासपोर्ट में छोटी छोटी कमियों को लेकर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिस काम के लिए पासपोर्ट अधिकारी इनकार कर लोगों को चक्कर लगवाता है। एजेंट उस काम के लिए पैसे की मांग कर जल्दी काम करवाने के लिए कहते हैं, जिससे पासपोर्ट अधिकारी और एजेंटों की मिली भगत जग जाहिर हो रही है। इस संबंधी पासपोर्ट अधिकारी के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मसले को सुलझाकर लोगों को आ रही मुश्किलों का हल निकाला जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तो वो जल्दी आना चाह रहे थे लाइन को बाईपास करके, तो हमने कहा कि आप अपने केसेस भेज दें, क्योंकि सिस्टम से लाइन से सब नंबर लग रहे हैं। तो उसमें फिर बेसिकली इतने में बिना पेशेंस के उन्होंने धरने लगा दिए। उनके केसेस सॉल्व हो गए हैं, सॉर्ट आउट हो गया वो सारा इश्यूज, दे आर हैप्पी। उनके जितने भी केसेस हमने सारे जितने भी ग्रीवेंसेस है सारे सॉल्व कर दिए। तो आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल जो है उसके साथ जो अपॉइंटमेंट के जरिए चलता है काम, तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आती होगी? तो नहीं, एक दो हमारे दो चल रहे हैं, तो हमने ओपन हाउस कर रखे कि कोई बिना अपॉइंटमेंट भी आ सकता है, तो वो तो है ही। और एक है जो अपॉइंटमेंट से आते हैं, तो अब जो अपॉइंटमेंट वाले लोग आते हैं उनको प्रायोरिटी चाहिए होती है हर जगह, बिकॉज वो लेके आए हैं सिस्टम से। तो उसमें थोड़ा सा कई बार सिस्टम में क्लैश हो जाता है कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। तो ये उसी का था, बिकॉज उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो वो चाह रहे थे हमारे केसेस पहले हो, और जो दूसरे हैं बेसिकली पुराने जो अपॉइंटमेंट वाले हैं वो चाहते हैं हमें प्रायोरिटी मिले। तो इट वॉज समथिंग जो दोनों के बीच हमने सॉर्ट आउट कर दिया बैठ के बातों को। ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज पंजाब भ्रमण पर हैं। इसी भ्रमण के दौरान वे बरनाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब भी हमारा अधिकार क्षेत्र प्रदेश है, यहां हमारे धर्म की क्या स्थिति है, धर्म से जुड़े लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका निरीक्षण करने वे पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान जहां जहां भगवान श्री रामलला मंदिर निर्माण की बात होगी वहां भी जाएंगे। इस अवसर पर उनके साथ शिरोमणि प्रबंधक कमेटी भारत के महासचिव हर्षवर्धन भी उपस्थित थे। जगतगुरु श्री शंकराचार्य ने कहा कि ईसाई धर्म में टेढ़े-मेढ़े ढंग से हो रहे तेजी से परिवर्तन को रोकने के लिए साधु समाज जुटा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार से गो हत्यारों और तस्करों की सजा कम से कम 7 वर्ष किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार करने पूरा संत समाज पूरे देश में फैल गया है। इस अवसर पर उनका विभिन्न धर्मों और समाज से जुड़े हजारों लोगों ने फूल वर्षा से अभिनंदन किया। अग्रवाल समाज से संबंधित कोलोनाइजर दीपक बांसल द्वारा निर्मित आस्था कॉलोनी के मंदिर में पहुंचने से पहले वे लुधियाना बरनाला मार्ग पर स्थित प्राचीन गौशाला पहुंचे, जहां गोवंश का रख रखाव देख गोमाता की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित शिव कुमार गौड़, राकेश कुमार गौड़, आचार्य श्रीनिवास महाराज, अनिल दत्त शर्मा, एडवोकेट करण अवतार, कपिल अखिलेश बांसल, विजय भंडारी, यशपाल शर्मा, राजेश चीमा, राजकुमार उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब की धरती वीरों की धरती रही है। पंजाब की धरती से सनातन धर्म किसी समय प्रकट होकर के सारे संसार में फैला, लोगों का कल्याण किया, इसलिए पंजाब की धरती पे आकर के प्रसन्नता का अनुभव हम कर रहे हैं। और इस पंजाब में भी ये जो बरनाला है ये तो यज्ञ भूमि कही जाती है, तो ऐसी जगह पे पहुंच करके किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, तो हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए शुभकामना कर रहे हैं। सुनील धीर, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में आयोजित की गई, जिसमें पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुनील धीर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, सुरेश सहगल, रिक्की सहगल, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पार्षद रोनी, आरएसएस से प्रमोद कुमार सहित पारिवारिक सदस्यों में पत्नी नीलम धीर, आशीष धीर, रोहित भंडारी, दीपाली भंडारी, आशु धीर, दलीप महेंद्रू, रश्मि नंदा, राकेश नंदा, अनिरुद्ध प्रशाली सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुनील धीर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
प्रांत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर CIA स्टाफ 3 की पुलिस ने मनु महावा गिरोह के 3 और सदस्यों को किया काबू। 3 किलो 5 ग्राम हेरोइन, 0.30 बोर के 10 जिंदा कारतूस, 9 mm के 9 जिंदा कारतूस और एक कार की बरामद। अमृतसर पुलिस ने US बेस्ड तस्कर मनदीप सिंह के साथी को किया गिरफ्तार। 1.5 किलो हेरोइन, 3 लाख रुपए की ड्रग मनी की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 आरोपियों को किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।